बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, मैं उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक है। आज के नए ब्लॉग का क्या आगाज, और आपने बहन भाई रहने मेरे साथ साथ तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह खिलते रहें। और जी मोहम्मद इनाम रोल लगा रहा, मोहम्मद इनाम कह रहा मुझे गोदी में ले लो, कोई काम नहीं करें। तो मैंने कहा मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, फिक्र की ऐसे जैसे की तबियत खराब है, तुम्हारा सर में दर्द होना लेती भी है, चाय वगैरह काम वगैरह में शौक देती भी करने लग रहा है। तो मैं गई थी तो मैंने कहा कि जो चाय वगैरह पीनी है तो पी लो, क्या मैं बनाना जब मेरी तबियत दे रही है ना, मैं वो लिख के पी लूँगी ना। तो सारे घर की मैंने सफाई वगैरह भी कर ली, अंदर की मैंने सफाई कर ली है, सारी मैंने सफाई वगैरह कर ली है। बस मैंने कहा अपनी बर्तन वगैरह मुझे धो लेती हूँ, धूप हो जाती बहुत ज़्यादा, मैं इतना ज़्यादा धूप होती फिर काम करने को दिल नहीं करता। तो अब ये मोहम्मद ही नाम रो रहा है, उससे पहले चुप रखते हैं सर की जो काम है उधर करते हैं। अलहमदिल्ला से बर्तन वगैरह भी मैंने सब धो ली है, तो अब कुरा वगैरह भी धोती हूँ यहाँ से। और कोयल भी माशाल्लाह घूम रही है, कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है कोयल की, वो काम में चाली में जाती ही है। ये ना बोलती है ना, ये अपने दूसरे साथी को बुलाती है, जब अकेली होती है ना ये करना एक दूसरे को बुलाती है, और बड़ी ही प्यारी उनकी आवाज़ लगती है कोयल की ना, मुझे तो बहुत ही प्यारी लगती है। शाम के टाइम तो लाजमी भी बोलती है, तो मैंने कहा साथ ही साथ मैंने खुला भी झाड़ू खत्म होगी, झाड़ू लेके आई फिर नजार जब जाएंगे ना मनीष के पापा फिर झाड़ू। जानवर वगैरह भी हमने छाँव में बांध दिए, पानी वगैरह पिला दिया माशाल्लाह से, खा पी कर मजे से अपना छाँव में बांधे हैं। बस ही हो गया काम, बस यही होता है, सुबह का टाइम ना फिर काम हो जाता, फिर धूप चढ़ती फिर काम नहीं होता। मैं धो के नाली बंद हो रही, नाली खोल के आती हूँ जाके, बर्तन भी धुल गया, सारा काम वगैरह हो गया। बच्चे भी माशाल्लाह फूलते लगाए, क्योंकि सुबह उठ जाती है ना जो काम होता है अपने टाइम से करना। ट्यूबवेल पे गए थे नहाने के लिए, तो अभी भी आए हैं नहा के, तो यहाँ पे ये मकई में पानी देने लग रहा है, ये देख सकते हैं मकई में पानी दे रहे हैं, ये है छिली वाली मकई। जो उस साइड पे थी मकई वहाँ पे हाथ लग चुका है, और ट्रैक्टर वगैरह भी फेंक चुका है वहाँ पे, वो देखो सामने हल चलने लग रहे, वो देखो ये ना सारी रात इन्होंने घास काटा है, दो दिन में इन्होंने घास ना काट के फिनिश कर दी है, इतना सारा घास था। वो वाली जल्दी तैयार होगी, वो सामने वाली जिसकी पहले पहले यानी कि वह निकली है ना, ये अभी लगी है, वो सबसे पहले लगी है, वो पहले तैयार होएगी। चलो जो उनसी भी हो जाएगी ठीक ही है तो सारी छिली, ये भी छिली है, वो भी छिली है। चलो ये चलते हैं रुकिया सिस्टर के पास, देखते हैं चूल्हे पे वो क्या कर रही है। क्या कह रहा शहबाज भाई, मीठी रोटियाँ बनाऊँगा पकाते हैं तो फिर पता। हाँ जी सही बात है, दादी थी बेचारी, अच्छा हाँ जी भूख लग रही थी तो रोटी बनाने लग गया। हाँ शाम के टाइम तो मैंने बना दी थी रोटी, फिर सुबह का पता नहीं फिर किसने बना के दिए नहीं, सुबह बना रहा था। अच्छा मीठी रोटी बना रहा था, कहते बना बेटे बना, आपको पता कि इनका बगैर खा नहीं सकता, वो सूखी रोटी उसे अंदर ही नहीं जाती, बस आदत पड़ी है ना घी वाली पका रहा। अच्छा सही है, बस बंदा क्या करे, बस दिल तो अंदर से उदास है, बस चेहरे पे जरा ये है मुस्कुराहट है, जब सुनते हैं तो इतना दुख लगता है ना, इतना दुख लगता है ना, बहुत ज़्यादा दुख लगता है। बस अल्लाह ताला हर बच्चियों के बच्चों के नसीब बच्चे हों, बस हमारे तो दिल से यही दुआ आती है कि सब सबर दे भाई। आमीन आमीन आमीन, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा इतना दुख हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा भाई तो खुद टेंशन इतनी हो गई ना बहुत ज़्यादा। मैंने कहा जो यानी कि भाई
अल्लाह के राह पे इतना कुछ लुटाता है, इतना कुछ लुटाता है। इसमें भी भाई अल्लाह ताला ने नजर दिखा, हाँ जी बेहतराई थी, हाँ जी हाँ जी, पता नहीं ये हो जाता चली हाँ जाती, पता नहीं क्या कुछ करता, क्या कुछ करता। अच्छा जो भी होता, अल्लाह पाक ने कोई बेहतरी लिखी, हाँ जी हाँ जी बेहतरी लिखी है, कि इनका बहुत ज्यादा दुख हो रहा है जिससे मुझे पता लगा ना। आमीन आमीन सुन, हाँ जी बस कहते हैं ना बच्चों के नसीब अल्लाह ताला बस अच्छे अता फरमाए। बस आप क्या बना रहे हो? अच्छा सेमिया बना रही। बच्चे बेचारे ऐसे चले गए थे, अच्छा सर में दर्द, चक्कर जिस्म में दर्द थी, अब बैठी हूँ सही हो गई। बस कोई शायद कोई ब्लड प्रेशर का मसला ना हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हिम्मत थी। ये भी बच्चों को पता नहीं, रोटी वगैरह रात को रखी हुई थी, रात दो रोटियां पड़ी हुई थी, मैंने कहा चल बच्चों साथ ले जाओ, अच्छा मुझे नहीं पता, मैं समझी आपने नाश्ता वगैरह बच्चों को जल्दी जल्दी करवा दिया होगा। चाय भी मैंने बहुत लेट बनाई थी, ये पापड़ वगैरह बिस्किट वगैरह ले आए थे। अच्छा सही, सुबह के पापों के नाश्ता करा नहीं लगती भाई भूख इतनी, जब कच्चा पक्का मौसम हो रहा है ना। हाँ जी जिसमे दर्द, किसी को बुखार, किसी को कुछ, मौसम चल रहा है, बस टेंशन से वैसे नहीं भूख लगती, जब इंसान को टेंशन होती है बस अल्लाह ताला रहम करे, करम करे अपना मालिक। बना रही मैंने सेवइयां, बना लेती हूं बच्चों के लिए। सही है, तो रोटी में बना लेती हूं, सालन भी रखा, रात में टिंडिया बनाई थी। सही है, तो बस फिर सेवइयां बना लूंगी, कुछ एक दो रोटी बना लूंगी। ठीक है ठीक, दिल करेगा बच्चे खा लेंगे। सही है चलो फिर ठीक है, आप सेवइयां वगैरह बनाओ। हां जी मैं मुनीब के पापा कह रहे मुझे चाय बना दो, कह रहा है मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो ना मैं चाय बना देती हूं, तो फिर आप अपना ये कर लो। माशाल्लाह जी यहाँ पे जी सेमी हल्की हल्की सी ब्राउन कर ली है रुकिया सिस्टर ने और शौकत भाई ने, रल मिल के करी आपने? मैंने कहा रल मिल के करी है ना ब्राउन है। अच्छा सही है सही है जी, मेरे भाई की आपने बेइज्जती कर दी है। अच्छा आपको बेइज्जती महसूस हुई है? महसूस क्या, बहुत ज्यादा महसूस हुई है। देखो ना भाई बेचारे का, मैं कह रहा हूं हां बेचारे बेचारे का कारण नहीं, अंदर चले गए। नहीं बैठे थे, मैं ये नहीं कह रही, मैंने कहा बस आप चले जाओ, एक इंसान की मजबूरी होती है ना, किस इंसान का या तो फिर इस तरह करो, नहीं या तो फिर इस तरह करो, आप उड़ जाइए शौकत भाई खुद ही कर लेंगे। नहीं सही अच्छी बात है, अल्लाह ताला हर किसी को, हर किसी के शोहर को सही सलामत रखे और ऐसा शोहर हर किसी को दे जो बीवी के साथ हाथ पे हाथ कदम से कदम मिला के चलता है, और यानी कि भाई भाई साथ रहते हैं, हाँ दुख सुख में काम आते हैं। सही बात है, यही इनके लिए बहुत है, ये हमारे साथ कर तो रहे हैं ना, कितनी हो सकती है उतनी हेल्प कर। हाँ जी क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, अल्लाह ताला ने जोड़ियाँ क्यों बनाई है, इसीलिए बनाई है, एक दूसरे की हेल्प करें। हाँ जी हाँ जी सही है, इसे तो कहते हैं प्यार मोहब्बत। अल्लाह ताला बस हर किसी को अपनी सामान में रखे, किस चीज़ का नमक मिर्च का, हाँ देख ले आर्डर पे आर्डर चले जा रहे हैं। सही है चलो ठीक है, आप ये कर लो फिर, मैंने ना चाय बना के दे रही, मैंने कहा भाई यहीं बना ले चूल्हे का ना, क्या मैं आग बना के लाऊँ, क्या करने गए थे अंदर? मैं अंदर गया हूँ, डब्बा देखता रहा, नजर नहीं आया, मैंने फिर आंखे खोली एक दफा, आंखे खोल के फिर मैंने देखा, देखा। डब्बा नजर, असल में जब अंदर से हम बाहर जाते हैं ना तो ऐसा लगता है भी हमारे गुप हो जाता है, कुछ नजर नहीं आता जी। सही है, अच्छा ये भी बहुत बड़ी ठंडी छांव है, आराम से बंदा ना मंजी बिछा के आराम से बैठा रहता है, इतनी गर्मी नहीं, अगर आप हाँ जी दरख्त लगे दरख्त लगे गर्मी में बंदा वैसे कोला हो जाता है, कोला हो जाता है, जितनी गर्मी पड़ती है। अल्लाह ताला माफ करे, सेहत दे, अल्लाह ताला उन्हें किड़े कणिका काट ले, हाँ जी इतनी भरी धूप में, तो भरी में बाजी, अल्लाह ताला सेहत दे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हम तो भाई सबके लिए दुआ करते हैं। अच्छा ये आधी सेवियां रख दी है, आधी सेवियां रख दी है, अच्छा मैं भी कह रही थी ये भूल जाती है ना। अच्छा सही है सही, ठीक बनती है, क्योंकि आपने बनाई थी वो बिल्कुल ही भूल गई थी, सही नहीं मैंने पता नहीं, असल में ना ताई थोड़ी तलाई करते ना, अच्छा फिर बड़ी प्यारी बनती, थोड़ी तलाई हो जाती ना इसकी, वैसे अब तली भी नहीं, आपने भी तो बनाई थी वैसी ईद पर, लाल हो ना ज्यादा, लाल हो, अच्छा अच्छा वो होती है, सही है उसे होता है सेक लगा हुआ, सेक लगा हुआ, हाँ जी का, हाँ जी हाँ जी, इसे नहीं लगा लाल,
फिर इतनी जल्दी घुलती है। ये ना मेरे एक और दिमाग में बात आई है, जो जो सेवियाँ आप बना रही हो ना, ये ना ताजी ताजी निकली हुई थी। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी वो नहीं मसला होता। अच्छा जी हाँ, बस सेक लगाओ ना उसका और जायका है। अच्छा, क्या सेक ना लगाओ उसका और जायका, और जायका होता है। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? चलो जब याद आ जाएगा फिर बता देना भाई। याददाश्त भी तो हमारी कमजोरी है जी यार। सही है। माशाल्लाह जी, रुकिया सिस्टर ने सेवे वगैरह बिल्कुल रेडी कर ली हैं, तो मैंने यहाँ पे चाय पे रख दी है। मैंने कहा चाय पक जाती है, उसके बाद रुकिया सिस्टर कह रही मैं रोटी बना लूँगी बच्चों के लिए। सेवे हो गई तैयार, बिल्कुल रेडी हो गई। चलो जी माशाल्लाह, देखना उबाला आ रहा है चाय में उबाला आ गया। चलो ठीक है, मैं लेकर जाती हूँ। ठीक है जी। हाँ, बच्चों को भी शौकत भी लेने चले गए हैं साइकिल मोटर पे, तो हाँ धूप तो तेज़ हो रही है, सूरज ये सामने की तरफ। हाँ जी, छोटे बच्चे हैं, आजकल के हालात बड़े खराब हैं। मैंने कहा बस पैदल ना आए। सही है, जाते फिर बंदोबंद आ जाए ना, वो ठीक है। ऐसे बीच में से हाँ, ये तो है, दूर है काफी है, क्या करें। सही है, चलो ठीक है, मैं कप लेके आ रही हूँ। अरे मोबाइल चार्जिंग पे लगा ले जाऊंगी। ये नमक भी लगा के रख दिया था, तो काफी अच्छी तरह इसके अंदर नमक जज़्ब हो चुका है। तो अभी इन्हें हल्का हल्का सा मसल देती हूँ। ये देखो काफी देर के मैंने रखा है, पानी भी कड़वा निकल चुका है। तो बस अब और तो कुछ समझ नहीं आती और क्या बनाऊँ। फिर मेरी यही तमाम करेले बना लेती हूँ, करेले चने की दाल मैंने वहाँ सामने की तरफ रखी हुई है चूल्हे में उबलने के लिए। जैसे उबल जाएगी उसके बाद ये घर में सामान वगैरह ही मैंने सारा बना के रख दिया। अभी इसे बस धोती हूँ जाके पानी से, और यहाँ पे जो मैंने प्याज वगैरह टमाटर हरी मिर्च तो नहीं है वो ख़त्म हो गई, और लहसुन अदरक भी यहाँ पर बना के रख दिया। तो अभी जाके धोती हूँ जाते पहले। टाइम से कर लेती हूँ काम अपना, फिर अगर असर की जाने तो हो गई हैं, तो ये मैं ये काम रहना ये कर लेती हूँ, इसे भी साथ ही धो देती हूँ। पड़ता नहीं अच्छी तरह, इतना ज़रा पानी भी खुशक हो जाएगा बीच से बचे मसल कर लेती हूँ। या ना करो बेटे ना करो, बहुत मजेदार बने थे। तो मम्मी के पापा फिर गए जाके कर लिया, कह रहे करेला बहुत मजेदार बने, कह रहे आज फिर करेले बनाने। चलो ठीक है, जैसे आपका दिल करता है। चलो यहाँ पे दाल वगैरह भी अच्छी तरह बोलने लग रही है, बस थोड़ी सी मैंने देखी अभी कमी है, तो मैंने कहा यहाँ पे ना मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेती हूँ यहाँ पे फटाफट। तकरीबन बन ही चुका है, अब मैं करती हूँ। मैं दाल भी देखती हूँ, देख लेती हूँ पहले दाल पर कितनी पसर आ दाल में। इस तैयार के सामने इतना बैठ गई होने, मैंने कहा उस तैयार के अगर बैठ गई ना तो वो रंग भी सही नहीं आता, पीला पीला आता रंग साफ नहीं आता। दाल को पहले दाल धो लेंगे, हो गई है दाल बिल्कुल माशाल्लाह ना हो गई है, क्या पता है। बस इसमें ज़रा मसाला वगैरह कर लेते हैं, इसमें ताकि ये थोड़ी बहुत ही कसर है ना इसमें हो जाएगी। फिर इसके बाद ये दाल उतार के प्याज करेले ब्राउन करते हैं, चलते थे जैसे करेले छिले में वो भी ब्राउन करने हैं करके थोड़ा सी रह रहा है, फटाफट ना ये काम हो जाए।
आप इसका गर्म मुझे ना पानी ला के देना। अलहमदुल्ला से करेले भी काफी खुशक हो चुके हैं और यहाँ पे घी भी गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाह करके अब की डाल देती हूँ। घी क्या दिमाग देखो, घी गर्म हो चुके हैं, करेले डाल देती हूँ। चलो अभी नहीं हल्के हल्के से ना सिलाई करूँगी ताकि ये अच्छी तरह इनका ये परिवार पन्ना खत्म हो जाएगा। लेने कर लेती फिर बाद में दूसरों कर लेती। बच्चे ने बड़े जोर कर रखा है, क्या हुआ ना तंग करो एक दूसरे को, ना दिल करो। बस रुकिए के बच्चे ना शैतान है, बहुत ज़्यादा बहुत ही तंग करते हैं। परिश्ता करो, आप उन्हें खाला को बुला के लाओ, खाला को या को जाओ शौकत भाई को। क्या खा रहे हो आप? खजूर खा रहे हो? अच्छी लग रही है आपको? हैं? बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय। नहीं अपने ध्यान में भी लगा हुआ है। और जो है इधर आपकी जो है यहाँ पे प्याज ब्राउन कर रही हैं, आज बना रही हैं करेले, खाली करेले, प्याज की दाल। अच्छा चने की दाल और करेले, सही है माशाल्लाह। ये भी मैं हम फ्राई कर लिया आपने, और ये भी कड़वे नहीं है। हाँ जी कड़वे नहीं है इतने। ये ना असल में कच्चा करेला, असल में लैया का करेला उतरा नहीं है अभी, अभी उतरा भी नहीं, और पता नहीं कौन से शहर का करेला। जी जी ये बाहर का है। हाँ जी कड़वा नहीं है। जी जी हाँ। तो यहाँ मैं बस कुछ समझ नहीं आ रही, मैंने कहा चलो चने की दाल रखी हुई थी वही बना लेती हूँ। जी सेवियाँ बनाई थी बस। तो बस अब लगी। हाँ जी उधर बैठी हुई है दरख्त पे, नजर नहीं आ रही आपकी साइड पे टाली पे बैठी। हाँ जी दोपहर की कर रही है, कू कू कर रही है ये ना, एक दूसरे को बुलाती है और कोयल कोयल को। हाँ जी कोयल कोयल को बुलाती है ना। हाँ जी दूसरा होगा बेचारा आ ही जाएगा। जी जी हाँ आ रहे हम आ जाते हैं। हाँ जी चलें ठीक है, आप ये बनाएं, मैं भी जाके देखती हूँ सालन वगैरह बनाती हूँ। सही है। ये साथ इसमें मसाला वगैरह डाल दो आप जो कह रही हो वो। हाँ जी सही। प्याज भी नजर आते हैं, ज्यादा ब्राउन कर लोगे ना तो प्याज नजर नहीं आएंगे। हाँ जी सही है। ये आपने टोपी कैसे रखी है ऊपर पटाने वाली? काम में से टोपी ले रहा था मैंने, ले ली सर पे, ले ली नीचे ना, फिर वो बच्चा मस्जिद में पानी जाता है ना। हाँ जी हाँ जी सही है। चलो ठीक है जी। अम्मा जी हाँ जी जी क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो नाम? वे अम्मा अम्मा कर रहा, कुछ बोल नहीं रहा, बस कुछ अपने नाम में कह रहा है। हाँ जी हाँ जी कोयल वो कह रहा, कोयल बोल रही है। अच्छा चलो मारेंगे मारेंगे। चलें ठीक है आप बनाएं सालन वगैरह, आगे जो रूटीन है वो बहन भाई के साथ शेयर करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इसके अंदर सारा कुछ डाल दिया है, थोड़ी सी हल्की हल्की आँच में देते हैं ताकि करेले की जो कसर है और दाल की कसर है तो जान वो कहना बिल्कुल अच्छी तरह बनाई वगैरह करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी टेंशन नहीं लेना, जैसे कि चूल्हा का करेला बनाया था इंशाल्लाह आप कैसे बनेंगे। बस हल्के हल्के आँच पर चल रहे हैं, अब यहाँ पे मैंने आटा धो लेती हूँ, फटाफट अपना टाइम से अपना खाना वगैरह बना लेती हूँ। बस बोला कि माशाल्लाह हमारा मुकम्मल हो चुका है। ये थी आज की हमारे ज़बरदस्त वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ मुझे पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ, मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। और जी हमारी वीडियो को आपने फुल वॉच करना है जी। और जी आज अब से लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। I don't know.